hello students you are connected to your online english class today we are going to continue with chapter 8 non-finites and it's the turn of worksheet number 7 so let's go for it worksheet number 7 relates to the ing form it means you will get the sentences related to ing form, and we know it well that ing form is always and always applied with base form of the verb. Base form of the verb means first form of the verb. So, ing form it relates to first form of the verb. So, let's start it. Read the sentence given below The crying baby. हट हीज मदर रोते हुए बच्चे ने अपनी मदर को हक किया था नाउ इन दिस सेंटेंस वॉट वी आर सीन दैट क्राइम क्राई इज़ फर्स्ट फार्म ऑफ द वर्ब एंड आई एन जी इज अप्लाइड आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सो क्राइम नाउ बेबी इज अ नाउन बेबी इज अ कॉमन नाउन हेयर सो बच्चा कैसा था वॉट टाइप ऑफ चाइल्ड द चाइल्ड वॉज क्राइम here you can see in the picture the child was crying so we see that according to the rule of the grammar that the word that qualifies the noun is an adjective so crying is working here as an adjective which is giving additional information about the baby here also we are having explanation the Word crying is made from the verb cry by adding ing, and it is just like a verb, we know it well. However, it is also describing the baby, as I have told you that the word crying it is describing the baby key. What type of baby is? So, which is a noun, and baby is a noun here, and the word that qualifies a noun is also act as an adjective. जो भी वर्ड नाउन को क्वालिफाई करता है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें देता है उसको हम क्या बोलते हैं एडजेक्टिव रिमेंबर अ वर्ड विच इज़ लाइक अ वर्ब जो भी वर्ड वर्ब की तरह है बट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव लेकिन वो काम किसकी तरह करता है एडजेक्टिव की तरह उसको हम क्या बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड पार्टिसिपल इट इज़ कॉल्ड पार्टिसिपल ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स कि जो भी वर्ड वर्ब की तरह दिखता है बट वो वर्क कैसा करता है उसका फंक्शन कैसा है इट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव इट इज कॉल्ड वी कॉल इट पार्टिसिपल सो इट मीन्स डैट पार्टिसिपल वर्क्स एज एन एडजैक्टिव पार्टिसिपल किसकी तरह काम करता है इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव here we are having another example read this example we saw a cow running in our direction हमने एक गाय देखी जो हमारी तरफ भाग रही थी मतलब हमारी डायरेक्शन में ही वो भाग रही थी so here we are again saying that cow is a common noun here and running वो काऊ कैसी थी काऊ क्या कर रही थी व्हाट टाइप ऑफ काऊ वाज दैट द काऊ वाज रनिंग सो फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी इज अप्लाइड हेयर मे बी इट इज़ अ वर्ब बट हेयर इट इज गिविंग अस द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव सो द का वॉज रनिंग सो इट इज एन एडजेक्टिव हेयर हेयर वी आर हैविंग अ पार्टिसिपल हैज टू फॉर्म्स अब पार्टिसिपल की दो फॉर्म्स होती हैं पार्टिसिपल वर्क्स एज एन एडजेक्टिव वी हैव कम टू नो नाउ इट ऑल्सो हैज टू फॉर्म्स फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जिसमें बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल नेक्स्ट इज पास्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है स्टूडेंट्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको हम क्या कहते हैं वी कॉल इट पास्ट पार्टिसिपल और इसमें यूजली इट एंड्स इन ई डी टी डी एन एंड ई एन अब जैसे थर्ड फॉर्म जैसे ई डी किस में एंड होता है यू कैन फ्रेम वॉकड डिसाइडेड टी में लर्नड एंड जो वर्ब डी में जैसे डाइड एंड एन से आपका हो जाता है टीयर टोर टॉर्न एंड ई एन से ब्रेक ब्रोक, ब्रोकन हेयर ऑल्सो वी आर हैविंग एग्जाम्पल द ब्रोकन कप वॉज थ्रोन अवे अब जो टूटा हुआ कप था वो फेंक दिया गया था द ब्रोकन कप कप कैसा था कप इज अ नाउन हेयर द कप वॉज ब्रोकन So, here we are seeing that th maybe third form is applied here, but it is functioning as an adjective here. It is giving additional information about the cup. So, it is working here as an adjective. Is it okay? It is derived from the verb break, break, broke, broken. But here it is having the function of an adjective. So, the word which looks like a verb and it acts like an adjective, we call it a participle so here it is it is having the function of the past participle because it is the it is containing the third form of the verb on the next page we are having few more examples related to the participles here we go the sleeping boy ab bachcha kaisa tha? the sleeping boy bachcha so was startled by the noise वो आवाज़ से क्या हो गया था स्टार्टअ हो गया था मतलब चौंक गया था द बॉय वॉज स्लीपिंग सो वी सी दैट स्लीपिंग इज़ गिविंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बॉय सो इट इज़ वर्किंग एज एन एडजेक्टिव हेयर द अनसस्पेक्टिंग ट्रेवलर्स वर ड्यूब्ड बाय द ट्रिक्सटर्स सो वी सी दैट अनसस्पेक्टेड का मतलब होता है जो मासूम होते हैं जो जिनका कोई दोष नहीं होता सो so, वो यात्री जो हैं उनको Uh, जो ट्रिक uh, ट्रिकस्टर्स uh, थे जो एक uh, जो लोग दूसरों को लूटते हैं उनके द्वारा धोखा दे दिया गया था इज इट ओके सो ट्रेवलर्स कैसे थे अनसस्पेक्टिंग नेक्स्ट इज द बर्निंग ट्रेन नाउ ट्रेन कैसी थी वॉट टाइप ऑफ ट्रेन वॉज दैट द ट्रेन वॉज बर्निंग केम टू अ स्क्रीचिंग हॉल्ट वो एक बहुत ही जोरदार आवाज़ करते हुए जो है वो स्टॉप हो गई थी जो जैसे ब्रेक लगाते हैं तो एक बहुत तीखी आवाज़ आती है ना उसको हम बोलते हैं स्क्रीचिंग स्क्रीचिंग हॉल्ट हॉल्ट मीन्स टू स्टॉप सो द ट्रेन कैसी थी द ट्रेन वॉज बर्निंग नेक्स्ट इज रीड देंटेंसिज गिवन बिलो हेयर अगेन वी आर हैविंग स्विमिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज Now class here we see that first form is going is following the ing so it is it is becoming swimming it is a verb in itself now but in this case it is performing the function of the subject here. Now subject? Hota hai? Koi bhi subject object jo hota hai, wo noun. Hota hai. Subject and object always falls in the category of noun or a pronoun. Okay? so it is working here as an subject. सो वी सी स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज अब सब्जेक्ट है तो ये नाउन है एज आई हैव टोल्ड यू सो इट इज फंक्शनिंग हेयर एज अन वॉट इज अ गुड एक्सरसाइज अब जो भी आपको वर्ड वॉट का आंसर देगा दैट वॉट इज अ गुड एक्सरसाइज कि अच्छी एक्सरसाइज क्या है तो आंसर इज कमिंग स्विमिंग स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज सो इट इज गिविंग अस द आंसर ऑफ द क्वेस्न वर्ड वॉट सो द the answer is coming swimming and it is giving the answer of the question word what it is functioning here as a noun and the word that function in a sentence as a noun we call it a gerund we call it a gerund the word which is like a verb a verb first form plus ing but acts like a noun so noun उसको हम क्या बोलते हैं वी कॉल इट अ जीरण सो वी हैव कम टू नो दैट जीरण वर्क्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस हैविंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी पार्टिसिपल ऑल्सो हैज फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी बट पार्टिसिपल वर्क्स एज एन एड्जेक्टिव एंड जीरण वर्क्स एज अगेन वी आर हैविंग एन एग्जाम्पल हेयर ही इज फॉन्ड ऑफ वियरिंग ग्लासेस उसको ग्लासेस पहनने का जो सन ग्लासेज हैं वो पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है ही इज फॉन्ड ऑफ वॉट उसको किसका शौक़ है सो इट इज अगेन गिविंग अस द आंसर ऑफ वियरिंग वियरिंग सन ग्लासेज सन ग्लासेज इज़ अ नाउन हेयर एंड वियरिंग सो हेयर वी आर दैट वियरिंग इज अ वर्ब एंड इट इज़ फंक्शनिंग एज अ नाउन हेयर बिकॉज इट इज गिविंग अस द आंसर ऑफ वॉट ही इज फॉन्ड ऑफ वॉट वियरिंग सन ग्लासीज सो सन ग्लासेज इज़ वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट हेयर एंड इट इज़ A gerund. Here we are having the explanation of here, the word wearing answers to the question fond of what, kiska shong tha, and here it has been used as a, as an object. As I told you, that wearing is working as an object here, or kiska object hai to the preposition of. So we call it a gerund here. Is it okay because it is working as a wearing is working as a noun.

इज इट ओके लाउड सिंगिंग सिंगिंग इज एन वर्किंग एज एन जीरण हेयर हॉकिंग इज प्रोहिबिटेड यहाँ पर हॉकिंग जो है वो मना है आप यहाँ हॉकिंग नहीं कर सकते वॉट इज प्रोहिबिटेड सो द आंसर इज कमिंग हॉकिकिंग सो क्लास हॉकिंग इज हेयर वर्किंग एज द जीरण ओकेट इज वर्किंग एज एन सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज On the next page class, we are having this box remember. Class always remind that remember is an information that is very very crucial. Now, whatever you have learnt here, it is the lump sum points you will find in the box of remember. As we have read, that participle is a verb, but it acts as an adjective, like flying birds. Birds kya karethe? What type of birds were those? दोज वार फ्लाइंग बर्ड्स एंड जीरेंड इज अ वर्ब ऑल्सो बट इट एक्ट एज अ नाउन इट गिव्स अस द आंसर ऑफ वॉट वॉट मीन्स क्या एंड जो एडजेक्टिव है जो पार्टिसिपल है इट टेल्स एस अबाउट वॉट टाइप कि कोई चीज किस तरह की है या वॉट काइंड सो वी सी दैट पार्टिसिपल इज एन एडजेक्टिव एंड जीरण इज अ नाउन नाउ इट्स टर्न टू गो फॉर द वर्कशीट नंबर एट लेट्स डू इट लेट्स गो फॉर वर्कशीट नंबर एट रीड द गिवन बिलो एंड राइट पी फॉर पार्टिसिपल्स एंड जी फॉर जीरन्स एट वेरी फर्स्ट प्लेस वी आर हैविंग रमनीत इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट नाउ एज आई हैव टोल्ड यू दैट जीरन विल गिव अस द आंसर ऑफ वॉट सो वॉट रमनीत इज फॉन्ड ऑफ रमनीत किसका किसको पसंद करता है सो द आंसर इज कमिंग प्लेइंग वो खेलना पसंद करता है सो हेयर इट इज़ वर्किंग एज अ जीर एंड हेयर सो यू विल मैंशन इट इज जीर एंड हेयर यू विल मैंशन हेयर जी वॉट इज रमनीत फॉन्ड ऑफ द आंसर इज प्लेइंग नेक्स्ट इज कैन यू स्टॉप कॉम्प्लेनिंग सो वॉट कैन यू स्टॉप द आंसर इज कमिंग कॉम्प्लेनिंग अगेन इट इज़ वर्किंग एज अ जीर एंड हेयर एज एन ऑब्जेक्ट द ग्रम्बलिंग बॉस लेफ्ट द ऑफिस इन अ हफ अब ग्रम्बलिंग मतलब बड़ बढ़ाता हुआ जैसे चिड़चिड़ास बड़ बढ़ाता हुआ सो वॉट टाइप ऑफ बॉस वॉज दैट द बॉस वॉज ग्रम्बलिंग वो चिल्ला रहा था मतलब बढ़ बढ़ा रहा था अपने आप में ग्रम्बलिंग था वो बॉस सो हेयर इट इज गिविंग अस द आंसर ऑफ वॉट टाइप ऑफ बॉज वॉज दैट सो यू विल गिव द आंसर दैट इट इज वर्किंग हेयर एज अ पार्टिसिपल क्योंकि here we are getting additional information about the boss that the boss was grumbling the screaming kids ran to the street up what type of kids were they the screaming kids the screaming kids again we are seeing that the screaming word is working as an participle here so you will mention p word the letter p

वॉट काइंड ऑफ पीपल हैव मोर फ्रेंड्स दैट इज स्माइलिंग पीपल सो स्माइलिंग हेयर वर्किंग एज पार्टिसिपल बिकॉज इट इज गिविंग अस द आंसर ऑफ वॉट टाइप नेक्स्ट इज ओवर स्पीडिंग ऑन रोड इज एन ऑफेंस वॉट इज एन ऑफेंस क्या है जुर्म जो है वो ओवर स्पीडिंग ओवर स्पीडिंग हेयर इट इज गिविंग अस द आंसर ऑफ वॉट सो इट इज अर Next is smoking is prohibited here. What is prohibited here? Smoking. smoking. So, you see, smoking is again is sitting at the place of subject. Smoking is prohibited here. What is prohibited here? The answer is coming. Smoking. So, it is working as a gerund. The actor started combing her hair. Now, the question arises. वॉट द एक्टर स्टार्टिड टू डू उसने क्या करना शुरू कर दिया था कॉम्बिंग हर हेयर सो अगेन इट इज फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ जीर नेक्स्ट इज वीदरिंग लीवस ऑफन इंडिकेट द अराइवल ऑफ विंटर अराइवल होते हैं बिगिनिंग कहते हैं जो झड़ते हुए पत्ते हैं ना उससे हमें पता चलता है कि सर्दियां जो है वो आ रही है वीदरिंग लीव्स नाउ वॉट काइंड ऑफ लीवस इंडिकेट द अराइवल ऑफ द विंटर्स the answer is coming withering leaves so here we are having the information about the participle because it is working here as an adjective withering leaves is it okay so it is giving the answer of what type of leaves the answer is coming class withering leaves so it is working as participle here i hope class that this exercise is quite clear to you just do practice it by your own. Keep on learning, keep on exploring. Thanks for watching the video. Good.